हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कवियार। विधायक जी कार्यक्रम की टीम आज आ पहुंची है पटौदी हलके में। पटौदी जो कि नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबी रुतबा यहां पर देखा जाता है, लेकिन पटौदी इलाके की हकीकत क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कितना हुआ, आज विधायक जी के काम को हम लोगों के जरिए आकलन करेंगे। रिपोर्ट कार्ड आज विधायक जी की पेश की जाएगी कि पटौदी हलके में कितना काम हुआ है, क्योंकि गुरुग्राम से सटे होने के बावजूद भी क्या पटौदी की असलियत वैसी है जो कि बताई जा रही है, जिसका गुणगान किया जा रहा है, या फिर पटौदी में कुछ और ही सच्चाई आपको देखने को मिलेगी। रुख करेंगे आज पटौदी की जनता की तरफ, जानेंगे पटौदी की जनता क्या विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मूड बनाकर बैठी है। तो हरियाणा न्यूज की टीम अब आ पहुंची है पटौदी के हेली मंडी इलाके में। यहां पर हम जानेंगे विधायक जी ने काम कितना किया है, जनता आखिरकार उनके काम से कितनी संतुष्ट है। तमाम लोग हैं मेरे साथ, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कितना काम हुआ है उनके क्षेत्र में। पटौदी से है आपका ताल्लुक, पटौदी से कितना समय हो गया यहाँ पर रहते हो? या जन्म से ही यही पे है। स्थानीय मुद्दे होंगे यहाँ के बहुत सालों से, और अब तक क्या बदलाव देखा, चुनाव नजदीक है? आप 10 मिनट रुक जाइए, इस रोड पे इतना जाम लग जाएगा, यहाँ से निकलना दुबर हो जाएगा। ऐसा होता है इस रोड से जैसे गंगा नदी को पार करना, इतना मुश्किल काम है। और गाँव में जाकर देखिए, जो मेन रास्ते है वो काफी अभी तक पड़े हुए हैं। काम काफी हुआ लेकिन फिर भी काफी कम हुआ है। आपके यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक ने कितना काम अभी तक किया है? 5 साल में जितना काम होना चाहिए था आपके क्षेत्र में उतना हो पाया है? हमें लगता है कि जो सीएम साहब की ग्रांट थी, सीएम साहब की जो अनाउंसमेंट थी, वो काम ज्यादा हुए हैं, विधायक के काम कम हुए हैं, ऐसा लगता है। मतलब घोषणाओं की सरकार है, घोषणाएं मुख्यमंत्री ने कर दी लेकिन वो घोषणाएं जमीनी स्तर पर पूरी नहीं हो पाई हैं। कहां काम आपको लग रहा है कि अभी अछूता रह गया, नहीं हो पाया? देखिए, एक तो हेली मंडी पटौदी का बाईपास सबसे मेन समस्या। अब हम यहाँ मार्केट में बैठे हैं, यहाँ रोड पर जाम लग जाता है, जब तक आमदनी नहीं है तो हम मार्केट में बैठ के क्या करेंगे, यहाँ बैठ के फिर अपने गप्पे मारते हैं। रोड पर जाम ऐसा हो जाता है, यहाँ से निकलना ही दूभर हो जाता है। तो अब जब जाम रोड खुला ही नहीं रहेगा तो कस्टमर कहाँ से आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे तो पैसा भी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मक्खी मारनी पड़ेगी, और क्या करें। ये आम लोगों की जो है वो जुबान है। विधायक जी के काम से कितने संतुष्ट हुए अभी तक आप? अब चुनावों को लेकर कैसा माहौल पटौदी में दिख रहा है? मैम, क्या है, ऐसे पैसा तो ऊपर से काफी आया है, पर जो विधायक जी है ना, कभी जैसे गांव में आप देखोगे जाके रास्ते जैसे कि तैसे पड़े हैं ना, काम हो रहा है पर बहुत धीमी गति से हो रहा है। मुख्यमंत्री के काम से मतलब संतुष्ट है? मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की, उन पर अमल है, पर जो नीचे के स्तर के जो लोग हैं ना, वो काम नहीं कर रहे। आपके विधायक सब कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी। तो बीजेपी के हैं तो काम होना चाहिए था, सरकार जब बीजेपी की है। देखते ही नहीं गांव में आगे क्या हो रहा है गांव में। ऐसा है जी, देखो जो आप मेन बात क्या है, विधायक जी जो है वो राव इंद्रजीत जी के खेमे की है, और वो हमेशा यही कहती है कि राजा जी, वो भाजपा को परिवार कम मानती है लेकिन राव इंद्रजीत को परिवार ज्यादा मानती है, जबकि होना ये चाहिए कि वो भाजपा में है। अगर वो दो टुकड़े में यही पे बट रहे हैं तो काम कहाँ से होगा, टुकड़े तो यही पर हो गए। अब आप एक बात देखिए, घोषणा होती है एक सड़क की 5-5 करोड़ की, और एक इलाका रह जाता है अछूता, वो घोषणा के बिना भी अछूता है, कम से कम कागजों में तो हो जाए, वो कागजों में भी नहीं होता। इस साइड चले जाओ आप, खंडेउड़ा, तिरपड़ी, बसुंडा, ये इधर जाटों के, ब्राह्मणों के, ठाकरों के गांव है, इधर कोई भी मतलब घोषणा भी इतनी नहीं, काम भी नहीं। एक खंडेउड़ा से जाते हैं, झटोला रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसका जो रास्ता था, अब परसों काम शुरू हुआ है, वो भी हमने काफी बार कोशिश की, तब 5 साल में उनके समर्थक ये कहते थे कि ये पास हो चुका है। भाई अगर 5 साल में पास हुआ है तो आपको फिर 5 साल और चाहिए वो बनवाने के लिए? मतलब 5 साल विधायक जी और मांग रहे हैं इस काम के हिसाब से। यहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा दो मंत्रियों के बीच में आपका पटौदी हलका जो है फंस के रह गया? ये तो सच है जी, दोनों आपस में मंत्रियों की लड़ाई में हमारा पटौदी क्षेत्र सबसे पिछड़ गया है। जो कि इन दोनों का एक का होता तो आज के दिन बहुत ही काम होने थे और बहुत ही ज्यादा खुशहाली होनी थी, इस वजह से क्षेत्र बिछड़ गया। कौन से दो मंत्री के आप इशारा करना चाहते हैं? दोनों नरवीर एंड इंद्रजीत, इन दोनों की आपस की फूट के वजह से हमारा पटौदी क्षेत्र पिछड़ गया, और आने वाले विधानसभा के बाद में भी
बीजेपी सरकार आ गई तो भी पिछड़ा ही रहेगा। जब तक इनका समाधान नहीं होएगा, आपस की लड़ाई बंद नहीं होगी, तो हमारा पटौदी क्षेत्र पिछड़ा ही रहेगा। मतलब उम्मीदें कम लग रही हैं आपको अब सरकार से? कोई मतलब नहीं है जी, जो बीजेपी की सरकार आ गई तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों मंत्री रहने हैं, इंद्रजीत तो बन चुका है, नरवीर फिर बनना है, तो इसकी वजह से हमारा पटौदी क्षेत्र पिछड़ा ही रहेगा। तो दो मंत्रियों की लड़ाई में क्षेत्र पिछड़ गया है। विधायिका जी ने कितना काम किया है, और आपको लग रहा है कोई ऐसे उम्मीदवार, क्योंकि काफी प्रचार भी हो रहा होगा, अन्य पार्टियों के भी कुछ संभावित उम्मीदवार होंगे, किसी में लग रहा है कि आप देख पा रहे हैं उसमें स्कोप? हम तो झज्जर से हैं, झज्जर में ओपी धनखड़ हमारे मंत्री, उन्होंने काफी काम करवाया है और हम भाजपा के उससे संतुष्ट हैं। पटौदी हल्के का कुछ हालात बताना चाहें? पटौदी हल्के के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। चलिए आप बताइए, क्या आपको लग रहा है आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ है, कितना हो पाया अभी तक? काम तो जो हुआ है लेकिन सही हुआ है, लेकिन कुछ काम मतलब पूरा हो भी नहीं पाया अभी, बाकी है काम। ऊपर से जो मंत्री बोलते हैं वो तो काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आस पास के वो है एरिया के, वो नहीं करा पाते काम, पहुँचते नहीं कहीं टाइम पे, काम रह गया है अधूरा। आप बताइए, पटौदी हल्के से हैं? मैडम जी, सब अपना बढ़ता है, मजदूरों का आदमियों के लिए कोई नहीं करता, बेरोजगारी इतनी हो रही है, मंदी का दौर है, कंपनियां वगैरह सब बाहर निकाल रही हैं, अब ये बेरोजगार जाएंगे कहाँ आखिर में, हर कहीं बहुत बुरा हाल है। आपको क्या लग रहा है, बेरोजगारी जो इस वक्त है, इस वक्त बहुत ज्यादा मंदी है, किसकी कमी मानते हैं? गवर्नमेंट की कमी मानना, रोजगार निकाला कौन है, वेयर हाउस बना दिया 8,500 रुपए में, पब्लिक को कैसे गुजारा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां है सब, मारुति ले लो, हीरो ले लो, होंडा ले लो, सब वर्करों को निकाल रही है, मंदी का दौर है। आम लोगों की जुबान सच्चाई बोलती है, और भी अन्य लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बताइए आपके हल्के में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है जी, पहले की अपेक्षा अब ज्यादा काम आया, काम ज्यादा बढ़िया, सरकार के काम से संतुष्ट है? संतुष्ट है, बढ़िया काम आया, चाहते हैं आगे भी वही आए, आगे वही आए, अच्छा काम कर रही है सरकार। और कोई उनके टक्कर के मुकाबले में कोई नजर आ रहा है चेहरा? कोई नहीं, कोई चेहरा, सिर्फ बीजेपी। ठीक है, चलिए, काम हुआ है यहाँ पर, काम हुआ है। और लोग हैं, आप बताना चाहेंगे? आप बताइए, आप युवा हैं, बताइए क्या आपके क्षेत्र की समस्या है, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, वोट देने आप जाते होंगे, वोट दिए, क्या सोच के जाते हैं वोट देने? नहीं, बस यही कि काम अच्छा होगा, हम सपोर्ट करें बीजेपी सरकार को, पूरा सपोर्ट करें, उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल में बीजेपी सरकार आए, हम इस तरह की उनसे उम्मीद कर रहे हैं। आप यहाँ से 5 घर यहाँ से पड़ोस उठा लो, 5 घर यहाँ से पड़ोस उठा लो, ये बोलते हैं कि बेरोजगार, किस एंगल से बोलते हैं कि ये बेरोजगार है, सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, उनको रोजगार दे रही है, हर 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 फील्ड में वो भर्तियां निकाल रही है, हर चीज में वो ऑनलाइन, सबसे अच्छा काम ये कि ऑनलाइन जो आजकल सिस्टम हुआ है इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जो ये भ्रष्टाचार सिस्टम ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ जी, एक बात कहनी थी, मैं आपके माध्यम से एक बात सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। सरकार, कोई भी सरकार आती है, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी तो अभी आई है, चलो उम्मीद तो सभी को होती है, लेकिन अगर सरकार बनती है और वो भर्तियां वैकेंसी निकालते हैं, सरकार रैली पर करोड़ों खर्च कर देती है। मेरा उनसे एक आग्रह है कि जैसे वो रैली पर करोड़ों खर्च करती है ना, ऐसे मात्र थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके जो ये भर्तियों में, जैसे हमारे भाई पेपर देने गए थे, भाई बहन जितने भी गए थे, उनके लिए हर ब्लॉक वाइज 10-10, 20-20 बस की फैसिलिटी अगर अवेलेबल हो जाती तो उनको रैली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोट अपने आप ही मिलेगी। 5 साल में ना तो कोई यूनिवर्सिटी आई है, ना कोई यहाँ पर हॉस्पिटल खुला है ना, और 5 साल से एक ही मांग है, एमएलए स्कूल हमारा जो सरकारी है, स्थानीय है, उसको सरकारी कर दिया जाए पूरी तरह, वो भी सरकारी नहीं हो पाया है। मूलभूत सुविधाएं वैसे तो है, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली पानी सड़क ये सब कुछ सही है, पर नया कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर ना कोई अच्छा पार्क है, ना कोई हॉस्पिटल है, और ना ही कोई स्कूल की व्यवस्था। मतलब विधायक को जो काम करना चाहिए 5 सालों में, देखिए विधायक को 5 साल मिलते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास करे, वो विधायक कामयाब नहीं हो पाया आपके क्षेत्र को विकसित करने में, से कुछ यहाँ पर लेके नहीं आ पाया 5 साल के अंदर, विधायक की तरफ से कोई अपनी तरफ से कोई अचीवमेंट बिल्कुल नहीं ले। आपको भी ऐसे ही लगता है क्या? तो कोई और संभावित उम्मीदवार अगर दिखे उनके बदले? विमला बढ़िया विधायक है, यहाँ पे बहुत काम किया, हाँ हमारे लिए बहुत काम किया उन्होंने, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया विधायक है। अरे चुनाव चल रहे हैं, मौसम का माहौल नहीं पूछ रहे, चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल सही चल रहा है अभी तो। कैसा दिख रहा है आपको? हिली मंडी के अंदर एक भी स्कूल ऐसा नहीं जो हाई स्कूल करे लड़कों का, आज तक 25,000-22,000 वोट है यहाँ की, नहीं लोग इसको अहमियत ही नहीं देते इस इलाके को, जटोली हिली मंडी को, तो न एमपी देता ना एमएलए।
ऐसा क्यों, इतना क्यों पिछड़ा हुआ है? गुरुग्राम से सटा हुआ है पटौदी, तो डेवलपमेंट बहुत होना चाहिए। आप समझे नहीं, यहाँ क्या है, अब यहाँ कोई स्कूल ही नहीं आज तक। हमारे गांव के लड़के दसवीं में या तो कारोला जाओ, खंडेवाला या पटौदी पढ़ने जाओ। हाँ, पिछड़ा हुआ है क्यों है? विधायक ने काम नहीं किया, यहाँ कोई नहीं करता, ना विधायक करे ना एमपी करे। अब दूसरा चेहरा किसको देख रहे हैं? अगर किसी और से आपको उम्मीद है, किससे उम्मीद है? इतनी पार्टियां, इनेलो भी है, जेजेपी भी है, कांग्रेस भी है, पहले किसी नहीं करा आज तक, किसी से उम्मीद नहीं आज तक नहीं हुआ। कितने साल हो गए? वोट तो देंगे ना इस बार फिर है? वोट देखेंगे, अभी इकट्ठे होंगे तब करेंगे इंतजाम, ऐसे नहीं करेंगे। चलिए, आम लोगों की राय है, आप कि कोई क्षेत्र में कोई ऐसी विशेष समस्या जो आपको लगता है आपको उठानी चाहिए? युवा हैं आप, युवा वोटर हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो स्कूल नहीं है 12th तक का। मैं खुद भी 12th मैंने पास करी गढ़ियार शुरू से, या एक भी 12th क्लास का स्कूल नहीं है। यहाँ पे सारे बच्चे आसपास के स्कूलों में जाते हैं, यहाँ भी कम एडमिशन लेते हैं, इसलिए मैं भी गढ़ियार शुरू स्कूल में गया था। आपकी कोई समस्या? वोट दिया आपने कभी? क्या सोच के वोट देते हैं इस बार आप? एमएलए के वोट होने वाले हैं, विधायक से क्या उम्मीद है युवा को? ये है कि हमारी जो सड़क बनी हुई है वो टूटी हुई है, और सीवर लाइन डाली तो टूट गई थी और अभी तक उन्होंने नहीं बनाई, और आचार संहिता भी लग गई है, तो लगता है अब तो इलेक्शन के बाद ही होगा। हम रोज परेशान होते हैं और गड्ढे भी बने हुए हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, मौका भी देख सकते हैं। आपकी बताइए, विधायक से जितनी उम्मीदें थी पटौदी की हम बात कर रहे हैं, कितना काम अभी तक हुआ पटौदी हल्के? पटौदी में कुछ नहीं हुआ, जो हमारे फायदे का है। क्या आपके फायदे का काम? हमें तो दुकानदारी, हमारी दुकानदारी बंद हो गई, एक दुकान दो दुकान और ये तीन दुकान ये बंद, एक साल के अंदर तीन दुकान बंद हो गई हमारी। क्यों वजह मानते हैं आपकी दुकान मंदी के चक्कर? बिल्कुल, बहुत मंदा है, मतलब ग्राहक नहीं आते ढूंढने से भी? बिल्कुल नहीं आ रहे ग्राहक हमारे पास, नहीं पूरे एलिमेंट नहीं, यहाँ पे 13 दुकानें थी, दो दुकानें बची। अब इस बार वोट देने जाएंगे, क्या सोच लेकर जाएंगे? वोट तो देंगे ना? ना वोट नहीं देंगे। क्यों? ना परेशान है? परेशान बहुत ज्यादा, 10,000 रुपए की नौकरी करते थे, अब कोई 5,000 रुपए लगाने को तैयार नहीं है। ये देखो ना, ये तो किराए तीन दुकानें बंद हो गई। विधायक से क्या अपील है यही बता दो। विधायक का क्या हाथ में है जी, विधायक क्या करेगा, मंदी को थोड़ी ना बदल सकता विधायक। विधायक को हमारे दुकान कस्टमर थोड़ी ना भेज देगा, उनसे खरीद दो। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात कही इन्होंने। बाकी के भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, पटौदी हल्के की बात कर रहे हैं हम, पटौदी में बताइए कितना डेवलपमेंट अभी तक हुआ, क्या बदलाव देखा अभी तक? मैडम हमें कोई बदलाव देखा नहीं, 2 साल हो गए यहाँ दुकान गए हुए, हमने कोई तरक्की नहीं देखी यहाँ पे, ठीक है, बल्कि अभी बीजेपी सरकार में मंदी हो रही है, दुकानदारी खत्म हो गई यहाँ पे, इससे ज्यादा तो और क्या बोले हम। कोई आपके स्थानीय मुद्दे जो आप चाहते हैं, विधायक को इस तरफ काम करना चाहिए था जो हुआ नहीं? विधायक का काम आप देख रहे हो, यहाँ पे बारिश होती है पानी भर जाता है, कोई सुविधा है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे काम करने वाला। अब विधायक दाने ये तो करेंगे नहीं करेंगे, कहते हैं भाई ग्रांट आ रही है, काम होगा, हो नहीं रहा। अब यहाँ पे दुकानदार है, बारिश होता है यहाँ पानी भर जाएगा, इतना आता हो निकलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। ये भक्त बोल रहे हैं, आप बताइए सर, पटौदी की बात हम कर रहे हैं, पटौदी इलाके में काम कितना हुआ? विधायक से जितनी उम्मीदें थी काम हुआ उतना? 50% काम हुआ मैडम, मेरा नाम रणजीत सिंह, 50% काम हुआ। कहाँ के हैं? मैं यही जटोली का हूँ। और बोलिए, काम बिल्कुल ना हो रहा, पानी की सीवर लाइन एसडीओ कहता है पानी की लाइन बिछगी, पानी की लाइन बिछगी नहीं है। एसडीओ को बार बार सीएम विंडो में दरखास्त लगा ली, कोई सुनाई ना होती सरकार के अंदर, ठीक है, एसडीओ को मैंने खुद सीएम विंडो में दरखास्त लगाई, कोई सुनाई ना होती, ये है, बताइए आप जो कुछ करना कीजिए। विधायक ने मतलब 50% काम दिया, तो 50% और काम पूरा हो जाए, उसके लिए 5 साल और देंगे इस बार? बीजेपी को मैं तो एक दिन भी ना देना चाहता, बीजेपी ने काम ही ना किया, अभी बताइए क्या करना चाहते हैं, ना खुश मैं तो। चलिए और लोग हैं, आप बताइए जरा, पटौदी के हैं आप, बताइए क्या समस्या है, विधायक ने काम किया? समस्या तो कोई नजर नहीं आती है, समस्या नजर ही नहीं आ रही, तो अच्छा काम किया गया वो बताइए? सारे काम अच्छे ही हो रहे सरकार में, आप हमें डेवलपमेंट के लिए तो सारा काम अच्छा हो रहा है। अच्छा। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, बैंक में लाइन नहीं लगती, बुजुर्गों को पेंशन टाइम पे मिल रही है, पानी पीने के लिए मिल रहा है, सड़कें मिल रही है, और क्या चाहिए। अच्छा, आपकी जो विधायक है उनको अगर फिर से बीजेपी टिकट देती है तो खुश है उनसे काम में? बिल्कुल खुश है, 100%। बाकी के अन्य, अगर बाकी अन्य पार्टियों की बात करें तो दावेदारी तो कई पेश कर रहे हैं, आपके इलाके में क्या हाल है? बढ़िया से। कैसे मतलब बढ़िया कैसे करते हैं? सब तरिया तो बढ़िया से, रोड तय, हर काम में ग्रांट मिले से, ये बढ़िया नहीं, सब कुछ बढ़िया से। काम किया है, काम के बलबूते पे, आप बताइए पटौदी।
पटौदी हल्के में क्या हालात दिख रहे हैं? मैडम मैं तो पटौदी से नहीं। आप पटौदी के नहीं, आप पटौदी के हैं? नहीं नहीं, आप बादली हैं। पटौदी हल्के से आप हैं, आप बताइए, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, विधायक जी आए हैं कभी आपके क्षेत्र में? नहीं, विधायक जी आते रहते हैं, सरकार काम भी करना चाहती है लेकिन लोग बाग काम होने नहीं देते, क्योंकि घर गए ना आरटीआई कार्यकर्ता होते हैं, जब देख कोई काम करवाते हैं जब आरटीआई लगा देते हैं तो सारा वो काम रुक जाता है, तो काम होने नहीं पाता। मतलब सरकार की मंशा ठीक है, लोग खुद काम नहीं कर, लेकिन लोग तो चाहते हैं उनके इलाके में विकास हो, ऐसा कैसे हो सकता है फिर कि वो विधायक काम नहीं करवा पाए? हर कोई सरकार का आदमी नहीं रहता ना, अपोजिशन वाले भी बहुत रहते हैं। अच्छा, इस बार अपोजिशन कैसा लग रहा है चुनावी माहौल? हमारा कोई अपोजिशन नहीं है। ये पानी का मुद्दा मैंने अभी आपको बताया, बाईपास का बताया, बिमला को ये नॉलेज में बता दी गई है, कोई एक्शन नहीं लेती और ना किसी को फुर्सत आने की, अब तो आचार संहिता लगी वैसे ही ना सुनवाई होनी। तो लग रहा है फिर अब आपको कि कोई नॉमिनेशन के अगेंस्ट कोई खड़ा होगा, कोई डालेगा, या फिर एक तरफा माहौल है? अभी माहौल का कुछ ना पता मैडम, अभी कोई डिक्लेरेशन ना है, कुछ ना, अभी तो ये पोजीशन है अभी। क्या क्या अच्छा है? सड़क, सीवर, पाइपलाइन, पानी की, वाटर, सब बढ़िया काम हो रहा है, काम बहुत अच्छा हुआ है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पूछ ही रहे हैं, बताइए ना, स्थानीय निवासी जो है यहाँ के पटौदी में, विधायक ने क्या काम किया, 5 साल की रिपोर्ट कार्ड बताइए जरा विधायक। विधायक हमारे तो यहाँ बिमला थी, उसने कुछ जाटोली में तो काम किया नहीं हमारे विचार से। तो मौका देंगे दूसरी बार अगर इस बार भी खड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ है जी। सामने कौन चुनौती दे रहा है फिर, किसको देंगे? तो हवा बताइए ना, निर्दलीय भी खड़े होते उम्मीदवार, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, इन सबसे उम्मीद नहीं है किसी से? नहीं 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 नहीं, इनेलो वगैरह का यहाँ कुछ नहीं है, बीजेपी का ही। अभी देखो टिकट किसको मिलती है, टिकट पे डिपेंड करता है। देगा जी दीपेंद्र भूपेंद्र पूरी टक्कर देंगे, कांग्रेस की पूरी लहर है, एकता होगी कांग्रेस में, बहुत ही पार्टी आएगी, दीपेंद्र जिंदाबाद, भूपेंद्र जिंदाबाद। चलिए, ये कांग्रेस के समर्थक है ना दीपेंद्र, उनका तो हवाई खत्म समझ लो। नहीं, अब तो हुड्डा जी को, शैलजा जी को दे दी कमान, लग रहा है कुछ बदलाव? हाँ जी, भूपेंद्र को दीजिए टिकट, बांटेगा भूपेंद्र, पूरी लहर है, एक तरफा होगी, 75 पार कांग्रेस। बात कीजिए पटौदी विधानसभा की, तो यहाँ दीपेंद्र और ये भूपेंद्र है ना, यहाँ कोई दीपेंद्र विपेंद्र का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हो सकता है वो अपना उधर प्रभाव रखते होंगे, तो ये वोट की उधर बात। पटौदी में कौन रखेगा प्रभाव? पटौदी में प्रभाव रखेंगे, देखिए बीजेपी का कैंडिडेट अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, वैसे गांव का कैंडिडेट खड़ा हुआ है प्रदीप जाटोली, तो सबसे प्रायोरिटी पहले ये बनेगी कि गांव के लोग उन्हीं को वोट देंगे। ये आपकी राय थी, आप बताइए पटौदी के टोटल वोट 24,000 वोट हैं। अच्छा, हाँ, क्या कितने हैं हमारे यहाँ एलिमंडी की जाटोली की मिला के 24,000 वोट हैं, तो हम टोटल शायद इतनी भी एलिमंडी जाटोली की वोट है, सब अपने प्रदीप जाटोली को देंगे हम। पटौदी हल्के में इस वक्त कैसा रुझान दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? पटौदी हल्के में बिल्कुल क्लियर रुझान है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करने का इच्छुक है, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी तो है ही नहीं, ग्राउंड पे ही नहीं है। एक तो इनेलो में और जेजेपी अलग अलग हो गए, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी आज और बूथ स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, पन्ना प्रमुख जो गुजरात स्तर पे काम किया है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के हर जगह छाई हुई है। पटौदी हल्के में कितना काम हुआ, विधायक जी को कितने नंबर देने वाले हैं? नंबर विधायक को 70%। 30% क्यों काट लिए, क्या काम छूट गया? काम काफी छूट गया अभी फिलहाल। तो काफी छूट गया तो बस 30%, फिर तो पूरे काट लेने चाहिए थे। नहीं नहीं, पूरे नहीं काम। अच्छा, उम्मीद है आगे अगर मौका देते हैं तो काम हो जाएगा? हाँ जी, उम्मीद है। हाँ, चलिए, उम्मीद पर जनता भी कायम है जैसे दुनिया कायम है। पटौदी हल्के की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जाम की स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा बता रहे हैं लोग कि जाम काफी लगता है, और बाजार में उतनी भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए, थोड़ा सा मंदी का असर दिख रहा है, इसी से लोग परेशान है। पटौदी की तरफ और भी रुक करेंगे, लोगों से जानेंगे क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, उनके विधायक से कितना काम हुआ, आगे जानेंगे। तो पटौदी हल्के में विकास का कितना काम हुआ, विकास के बयार के जो दावे यहाँ के विधायक साहब ने दिए हैं वो वायदे पूरे हो पाए हैं, यहीं के लोग हैं, स्थानीय निवासी, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। और हरियाणा में चुनावी माहौल चल रहा है, जब भी हम देखते हैं 4-6 लोग मौजूद रहते हैं तो उनसे हम जरूर ये पूछते हैं कि बताइए आप क्या आपके क्षेत्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, कितना काम हुआ। पटौदी हल्के की बात हम कर रहे हैं, कितना काम अभी तक पटौदी में हो पाया है, आप ही से शुरुआत करते हैं, पटौदी में कितना काम हुआ है? पटौदी में बहुत ही काम हुआ है जी, रुके उड़े सारे साफ सफाई सारा बढ़िया काम हो रहा है जी, और ये सरपंच साहब से पूछ ले उनसे।
सरपंच जी भी है हमारे साथ, आप सरपंच है यहाँ के, कितना काम हुआ, जितनी ग्रांट मिली थी उतना काम हुआ, बैठिए आराम से बैठ के बताइए। ऐसा हमारी विधानसभा में पटौदी में विमला चौधरी ने पूरा काम करवाया है और बाईपास पास हो गया है, फायर स्टेशन बन गया है, पुलिस स्टेशन बन गया है, सरकारी हॉस्पिटल बन गया है 100 बेड का, तो जो वादे किए थे खट्टर साहब ने वो पूरे हो गए हैं। वादे पूरे हो गए, आपको लग रहा है 5 साल में जितना काम होना था पटौदी में हो गया, क्योंकि अभी हम जहाँ से गुजरते हुए आए सड़कों में गड्ढे दिखे, जाम की समस्या बहुत दिखी। ये सड़कों की तो, ये सड़क तो जी हाईवे पास हो रहा है जो पता होगा आप, इसलिए नहीं बना रहे, बन जाएगा हाईवे बन जाएगा तो बन जाएगी। बाकी काम सरकार ने खूब किया है, नीचे से ऊपर तक सरकार से संतुष्ट है, हम तो पूरी और भी काफी पब्लिक अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, और बढ़िया सरकार है, बढ़िया चल रहा है देश। मतलब वोट अभी भी मोदी के नाम पर पड़ रहे हैं क्या, स्थानीय विधायक के नाम पर नहीं? विधायक ने भी काम किया है वो तो चलो ठीक है, लेकिन वोट तो मोदी के नाम पे ही है, मोदी की है वोट। अच्छा मुझे ये बताइए, अन्य जो पार्टियां हैं वो भी अपने अपने दावेदार पेश करेंगी, कुछ उम्मीदें हैं, कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है आपको? कोई चेहरा ना जी, पटौदी में तो बीजेपी आएगी, पटौदी में क्या, हरियाणा में आएगी बीजेपी। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं बताइए, आप बताइए, चुनावी माहौल है इस वक्त, आपके कुछ स्थानीय मुद्दे होंगे जो आप चाहते हैं विधायक साहब की नजर इधर भी पड़े, ये भी ठीक हो जरा। ठीक है जी, सब काम जो है हमारे पटौदे में सारा बाईपास का विधायक इसका कराया, ये होगा तो और कोई मुद्दा नहीं। लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, आप बताइए क्या काम अभी तक आपको लग रहा हुआ है, बहुत आपने चुनाव देखे होंगे, बहुत वोट दिए होंगे, पटौदी में कुछ बदलाव हुआ क्या? घनाई बदलाव होगा। क्या बदलाव देखा अभी तक? सारा रोड साफ कर दिया, बना रहे रोड, बना रहे है, सफाई करवा दी, ये पुराना अस्पताल बना दिया, सारा काम कर दिया। यहाँ तो कह रहे हैं कि मंदी आ रही है, सरकार काम नहीं कर रही, विधायक ने हमारे क्षेत्र में आके नहीं देखा, ऐसा हुआ है क्या आपके इलाके में? हुआ है काम? हमारे इलाके में बिल्कुल काम हुआ है जी, खट्टर सरकार जितनी लोगों को उम्मीद थी उस पर खरी उतरी है खट्टर सरकार, ना लोगों को चाहिए थी एक ईमानदार सरकार, सबसे पहले तो हमें संतुष्टि है कि हमारे पास एक ईमानदार सरकार है, मंदी तेजी बाजार में आती रहती है, उसका दोषी हम सरकार को नहीं ठहराएंगे बिल्कुल भी। तो जो भी है कोई छोटे मोटे काम है हमारे नहीं हो पाते कोई बात नहीं, हमारे जो काम हो रहे हैं वो बेहद ईमानदारी से काम हो रहे हैं, हम इसलिए संतुष्ट है जी। आपको क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में इस बार तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी दावेदारी दिखा तो रही हैं, कुछ दबदबा दिख रहा है कांग्रेस का, वो कांग्रेस जिसने इतने साल तक हरियाणा की सत्ता पर राज किया, कुछ दिख रहा है वैसा माहौल? किसी का नहीं, बीजेपी सरकार का ही दिख रहेगा, और जो हरियाणा में पक्षपात होता था नौकरी में वो फिलहाल नहीं है, 5 साल में योग्यता के आधार पर नौकरी दे रही बीजेपी सरकार, हर काम अच्छा कर रहा है, हर वर्ग में अच्छा काम हो रहा है, तो हम संतुष्ट है। लेकिन बेरोजगारी में तो हरियाणा अव्वल दर्जे पर आ गया। नहीं, ये जब झूठी बातें हैं, ये जो अपोजिशन वाली सरकार है ये कर रहे हैं झूठी बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है अपोजिशन है कहीं इस वक्त हरियाणा में? दिख रहा है कहीं भी नहीं है, ना इनोलो के पास में है, ना जेजी के पास में है, ना ही कांग्रेस के पास में है, एक तरफा बीजेपी है, 80+ भी हो सके, ऊपर भी नीचे भी। अच्छा, आपके पटौदी की जरा खासियत बताइए, यहाँ तो सैफ अली खान का भी आना जाना रहता है, उनके जो पिताजी है वो यहीं के हैं, तो विकास उस स्तर पर हो पाया, क्योंकि इतना बड़ा नाम पटौदी का है हमारे पूरे भारत में? पटौदी का वर्ल्ड पे नाम है जी, इनके नवाब ही ये कप्तान रहे हैं देश के, इनके सैफ के पिताजी, और वैसे मतलब कि जो है पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है पटौदी का पूरा नाम है, लेकिन इतना विकास मतलब कि जो है दक्षिण हरियाणा में खट्टर सरकार ने करवाया है, इतना पहले नहीं हुआ, कोई कभी नहीं हुआ, क्योंकि कोई जैसे रोहतक की साइड से बनते हुए अपनी तरफ इन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मतलब कि जो मैं दक्षिण हरियाणा का नहीं हूँ, ऐसा दक्षिण हरियाणा की जितनी भी जनता इनको ऐसा पहली बार लग रहा है कि सीएम अब की बार जो खट्टर सरकार बनी है सीएम भी हमारा है, ऐसा पहली बार दक्षिण हरियाणा में खुल गया है। चलिए, ये आम जनता की राय थी, ये वो लोग हैं जो सरकार चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, और इन्हीं लोगों की जुबानी हमने हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको बताया कि पटौदी के हालात क्या हैं। अब ये तो जनता तय करेगी, ये तो जब वोटिंग होगी उस दिन आप लोग तय करेंगे कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, आप विकास के आधार पर, जाति के आधार पर, नाम के आधार पर वोट देंगे, वो तय आपको करना है। फिलहाल पटौदी हल्के से मेरे साथ इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।